गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड वन में आप लोग का आज रिवीजन होगा। रिवीजन में मात्रा जो है, मात्रा की कौन सा मात्रा कैसे लगता है और कहाँ लगता है, मात्रा के चिन्हों को पहचानिए, ठीक है। देखिए, ये पार्ट तीन का है, व्याकरण का पार्ट तीन है। उसमें बहुत अच्छे से ये तालिका दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे ना, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगा। शब्द जब लिखेंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, इसको समझ लीजिएगा तो कोई गलत नहीं होगा, सब सही लिखिएगा। देखिए यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अब आइए आ, आ की मात्रा यहाँ है, हर्षई की मात्रा है। हर्षई की मात्रा जब भी लगता है वर्ण के पहले लगता है, ध्यान से सुनिएगा, कौन सी मात्रा कहाँ लगता है वो मैं क्लियर कर दूंगी ना, तो आप लोग का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। हर्षई की मात्रा वर्ण के पहले लगता है। दीर्घई की मात्रा वर्ण के बाद लगता है। हर्षव, हर्षव का मात्रा ये है, हर्षव का मात्रा वर्ण के नीचे लगता है। दीर्घव की मात्रा ये है, नीचे की तरफ ऐसे करके लिखेंगे, जो कि वर्ण के नीचे लगता है, दीर्घव की मात्रा। अब आइए री की मात्रा, री की मात्रा सी के शेप में आप लोग लिखते हैं, अभी सी, सी की तरह सी के शेप में लिखा हुआ ना, ये भी वर्ण के नीचे लगता है। ए, ए की मात्रा वर्ण के ऊपर लगता है। ए की मात्रा भी वर्ण के ऊपर लगता है। ओ की मात्रा ये है, मात्रा के चिन्ह को ध्यान से देखते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस दिमाग में बैठा लीजिएगा, लिखने के समय स्पेलिंग करेक्शन मतलब गलत नहीं होगा, ठीक है। ओ की मात्रा वर्ण के पीछे लगता है। अ की मात्रा भी वर्ण के पीछे लगता है, वर्ण के बाद लगता है, पीछे का मतलब। अंग, अंग का मात्रा ये अनुस्वार हुआ ना, ये वर्ण के ऊपर लगता है, सब आप लोग पढ़े हुए हैं। अ की मात्रा जो है वो वर्ण के बाद लगता है, ये आप लोग क्लियर समझ लीजिएगा। वीडियो को फिर से ध्यान से सुनिएगा ना, तो सारे मात्रा समझ में आ जाएगा, चिन्ह याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को बहुत आगे में ये सब पढ़ना है। अब आइए, होमवर्क है, होमवर्क आप लोग का पीडीएफ में डाला हुआ है, इसको याद करने के बाद होमवर्क बनाइएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। होमवर्क में सभी मात्रा से चार चार शब्द बनाना है। आइए इसको भी समझा देती हूँ एक बार। अ से तो कोई मात्रा नहीं है, इसमें बिना मात्रा वाले शब्द बचपन, पचपन, ये सब आप लोग पढ़े हैं, नल, कल। अ की मात्रा, इसका तो कोई मात्रा ही नहीं है। आ की मात्रा ऐसे लगता है, एक एक मतलब कि लकीर खाली रहता है। राम, आम, काम, नाम, रानिंग वर्ड में लिखेगा, ज्यादा आसान होगा। हर्षई की मात्रा वर्ण के पहले लगता है, हर्षई की मात्रा। देखिए, हर्षई की मात्रा से दिन, बिन, लिख, खिल, सब मात्रा जो है वो वर्ण के पहले लगा हुआ, हर्षई की मात्रा। अब आइए दीर्घई की मात्रा, दीर्घई की मात्रा पर ध्यान दीजिएगा, वर्ण के बाद लगा है, ख वर्ण है, ख, ख के बाद दीर्घई की मात्रा लगा है, इसको हम लोग दीर्घई, बड़ी ई की मात्रा बोलते हैं। खीरा, मीरा, सीता, गीता। उसी तरह से हर्षव की मात्रा ऊपर की तरफ ऐसे घुमा रहता है और जस्ट अपोजिट दीर्घव की मात्रा नीचे चला जाता है, ध्यान दीजिएगा मात्रा पर। हर्षव की मात्रा देखिए ऊपर ऐसे है, वर्ण के नीचे लगा हुआ है। बुल, पुल, बुलबुल, पुल, कुत्ता, सब वर्ण के नीचे लगा हुआ है। दीर्घव की मात्रा वो भी वर्ण के नीचे ही लगता है। धूल, फूल, आलू, चाकू। इसी तरह से री की मात्रा है, री की मात्रा भी वर्ण के नीचे लगेगा, कृषि, कृषि, वृक्ष, ये सब हो जाएगा री की मात्रा में। ए की मात्रा में होगा केला, सेव, ये सब होगा, आप लोग सब प्रेप टू में पढ़े हैं। ए की मात्रा में मैदान, मैदा, ये सब हो जाएगा। ओ की मात्रा में वर्ण के पीछे लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ए और आई की मात्रा वर्ण के ऊपर लगेगा। ओ की मात्रा चोर, मोर, शोर, ये सब हो जाएगा, जो कि वर्ण के बाद लगता है। औ की मात्रा, औ की मात्रा भी वर्ण के बाद ही लगता है। औ की मात्रा से भी कुछ शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा, उसको आराम से लिख लीजिएगा, राइमिंग वर्ड में याद कीजिएगा तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे औ की मात्रा में कौआ, कौन, ये सब हो जाएगा। अब आइए अंग की मात्रा, इससे भी आप लोग पढ़े हैं, पंख, शंख, ठंडा, ये सब जो है अंग की मात्रा, जो कि वर्ण के ऊपर लगेगा, उससे बनाना है सब। अ की मात्रा लास्ट में सबसे है, अ की मात्रा वर्ण के बाद लगता है, इसमें प्रातः, नमः, पुनः,
दो ठो डॉट दे देते हैं अनुस्वार, इसको नहीं विसर्ग ये है, अनुस्वार ये हुआ, ये विसर्ग हुआ, इसको हम लोग अ की मात्रा जो वर्ण के बाद लगता है दो डॉट दे देंगे, इससे पुनः प्रातः नमः दुख ये सब हो जाएगा। आज के चैप्टर में ये रिवीजन हुआ, पढ़ाया हुआ है अच्छे से, कॉपी में पीडीएफ में डाला हुआ है, मात्रा समझ लीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से याद कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मात्रा बनाने में, आराम से लिख लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, कॉपी करेक्शन जरूर करवाइएगा डाउट क्लास में, सुंदर राइटिंग लिखिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।